श्री विशाखान्वितांस ओम ज्ञानतिमिरांधस ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये श्री श्रीमत् भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभव श्री महात्मने। नमः विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायणेति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्ष औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महांतं नारायणं स्तं शिरसा नमामि। नमः विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणी श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। अतिमर्थ चरित्राय स्वाश्रितानंच पालिने जीव दुखे सदात्राय श्री नाम प्रेमदायिने। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूत श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्री भार्षभानवि देवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणी श्री रूपानुग विरुधाव सिद्धांत धंत हारिणी। नमो गौरकिशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंभर सांबधे पादंबुजायते नमः। नमो भक्ति विनदाय सचिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते गौरावृभावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दवनलसम संसार दहनी दग्ध जीव कुल उधर कारणी करुणा वारी द कृपा वारी दानी बंदिश गुरु चरण कमल नृत गीत वाद श्री हरि कीर्तनी रहे नाम गण महामत मणि रोमांच संपातु हरे गौर प्रेमी बंदिश गुरु चरण कमल सदायत जीनी विग्रह सेवनी श्रृंगारा दिया मंदिर मार्जनी करीन निजुक्त अनुगत जनी बंदिश गुरु चरण कमल सर्वचुष हेयर समय प्रसाद कृष्ण अति स्वादु हये भक्त स्वादनी निज तृप्त रे बंदिश गुरु चरण कमल श्री राधा माधव नाम रूप गुनी अनंत माधुर्य लीला स्वादनी लुब्ध चित जिनी
हन प्रतीक्षणी बंद श्री गुरु चरण कमल ब्रज जुवद्वंद रति संवर्धनी युक्ति कर सखी सन वृंदावनी अति दक्षता है प्रियता मगनी बंद श्री गुरु चरण कमल सर्वशास्त्री गाये त्रिहरि स्वरूप भक्तगण भावे से अनुरूप किंतु प्रभु जिनी प्रियतम रूप बंद श्री गुरु चरण कमल जहर प्रसाद कृष्ण कृपा पाई जार प्रसादे अन्न गति नई त्रिसंध्या कीर्तिर स्तब ध्यानी भाई बंद श्री गुरु चरण कमल गुरुदेवाष्टक अति यत्न करी ब्राह्मी मुहूर्ते पड़े उच्च करी वृंदावन नाथ साक्षात श्री हरि सेवा पाए से वस्तु से भी काल बंदी से गुरु चरण कमल गुण सिंधु गुरु चरण जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव कृष्ण हित चतुर्मुख हन कृष्ण सेवामुख ब्रह्म हित नर देर महति नरद हिते व्यास मध्व कहे व्यास दास पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गति विहरि मधव वंशे अथव परम शिखबली अंगीकार करे अच्छे सजय कृष्ण में पारी चय शारदा से ज्ञान सिंधु करे कहा दया मुझे शारदा चले ज्ञान दे राजेंद्र हरिला ते तार किंकर जय धर्म नाम परिचय परंपरा जन बल माते जय धर्म दास जाते त्रिपुरोत्तम जाते ताहिते ब्रह्मन्न तीर्थ चोरी व्यास तीर्थ कार दास लक्ष्मीपति व्यास दास ताहिते माधवेन्द्र वेन्द्रपुरी वरशिष्ठ वरदी नित्यानंद श्री अद्वैत विभु ईश्वरपुरी के धन्य करिले न चैतन्य जगद्गुरु गौर महाप्रभु महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण रूपानु गजन रजीवन रूप प्रिय महाजन श्री गोस्वामी रूप सनातन रूप प्रिय महाजन जीवन गुणत तार प्रिय कवि कृष्ण दास कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सर्वद विश्वनाथ वास विश्वनाथ भक्त तार प्रिय श्री भक्ति विनोद महाभागवत वर श्री गगदीश्वर वर हरिभजन से जार मोद
त्रिभार्तवान विवरत दस दस बाब तार गित दस नाम प्रभु पद अंतरंग स्वरूप रूपानुग श्री केशव भक्ति प्रज्ञान गौरी अवृदंत समयावगतम गौरवाणी प्रचारिणी धाम सदल प्राणधान एतवारि जन गुरु परंपरा गुरु परंपरा परंपरा गुरु परंपरा गुरु परंपरा गुरु परंपरा परंपरा गुरु परंपरा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय द्वैत गदाधर श्रीवधि गौभक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तुम बिन के दयालो जगत संसारे पतित पवन हेतु तब अवतार मोसम पतित प्रभु ना पाई बिहार हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सोखे कृपा बलोकन कर अंबर जो दया कर सीतापति अद्वैत गोस्वामी तब कृपा बले पाए चैतन्य निताये हा स्वरूप नाम रूप रघुनाथ भक्त युग सृजीवा प्रभु लोकनाथ दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास दया कर प्रभु पाद हृदयित दास सुख वैष्णवे कृपा मागे हे अधम दास दया कर गुरु देव पतित पावन त्रिचरणी सेवा मागे हे पतित जन दयालिताई दयाल गौ दयालिताई दयाल गौ दयालिताई दयाल गौ जीव जाग बोले जीव जाग जीव जाग गोरा चांद बोले पत निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले बजीब बोले आए से संसार भूतारे बोलिया रहिले अविद्यार भोरे तुम्हारे लईते आली हैनु अवतार हम बिन बंधो बोल के आचे तुम्हार एने चे असली माया नाचिवार लागे हरि नाम महा
लातो विमादे भक्ति विनोद प्रभु चरण पड़िया जय हरि नाम मंत्र लैला मगेया जय हरि नम जय हरि नम हरि नम जय हरि नम जय हरि नम जय हरि नम हरि नम जय हरि नम। हाँ ये कीर्तन को समझ में आया कि नहीं? थोड़ा 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 आता है। हाँ देखो इसमें ये बताए, बोले जीव जागो गोरा चंद, बोले महाप्रभु कह रहे हैं भैया अभी तो जग जाओ। जग जाओ मतलब क्या? बोले हम तो जगे हुए हैं। बोले नहीं, जो भजन करते हैं वही सही जगे हुए हैं, और जो भजन नहीं करते हैं वो सब के सब सोए पड़े हुए हैं। तब उसमें कहते हैं बोले तुम मातृगर्भ में माँ की पेट में क्या कसम खा कर गया था? जब तुमको 7 महीना हो गया, जब तुमको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, देखा सुख का समय में पूरा परिवार साथ में थे, दुख का समय में कोई साथ में नहीं, उसको पूरा ज्ञान हो गया संसार झूठा है, ये मतलब का संसार है, इसलिए भगवान को पुकारता बोले प्रभु मेरे को ये नर्क से निकाल दो। भले निकाल दोगे तो क्या करोगे? बोले मैं समझ गया ना, कोई संसार में कोई किसका है नहीं, झूठा संसार है। मेरे वो स्त्री कहाँ, पति कहाँ, परिवार कहाँ, बेटा बेटी कहाँ, कोई तभी साथ में है ही नहीं, वो 2 दिन का संसार है, हैं? वो सब के सब गए कहाँ? इसलिए इस बार अगर हमें जन्म दे दोगे ना, बस उठते बैठते स्वतः तेरे नाम जप करूँगा। बोले सही बोल रहे हो। बोले प्रभु सही बोलता हूँ, केवल ये माया की पेट से, माँ के पेट से नरक से मेरे को निकाल दो। इसलिए यहाँ पर कह रहे भजियो बोलिया ऐसे संसार भीतर भूलिया रहिले तुम्हें अविद्यार भले। देखो उसमें भजीबो बोलिया ऐसे संसार भीतर, तुम तो बोल करके आए था भजन करोगे, लेकिन माया के संसार में आसे तो भूल गया। फिर महाप्रभु कहते हैं मैंने तुमको लेने के लिए फिर आया हूँ, हाँ महाप्रभु कह रहे हैं मैंने तुमको लेने के लिए फिर आया हूँ, तुमको अपना घर में मैं ले जाऊँगा। बोले तो घर हमारी है, ये घर मकान मेरा, हमने बनाया, ये हमारी घर है। बोले नहीं, तुम रिफ्यूज हो करके कुछ दिन के लिए यहाँ पर आए हो, यहाँ पर चाहने पर भी ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकते हो, यहाँ तुमको छोड़ना पड़ेगा एक दिन। इसलिए जो असली घर है मेरे चरण में, जो असली घर है अपना मेरे चरण में तुम्हारी घर है। बोले वहाँ कैसे जाया सकता है, उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले वहाँ जाने के लिए केवल एक ही काम करना पड़ेगा, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस केवल ये हरि नाम को करो, ये हरि नाम करोगे ना, यही टिकट है। क्या है ये टिकट? बस टिकट है, बस ये टिकट मिल गया ना, फिर तो तुमको कोई रोक नहीं सकते है, कंफर्म टिकट है, हैं? ये कोई तुमको रोक नहीं सकते, पूरा सीधा भगवान के पास में ये टिकट है। अगर इसको टिकट को काट दो ठाकुर के पास में, सीधा ठाकुर के पास में चले जाओगे। इसलिए ये भजन में इस बात को ये भजन में कह रहे हैं। इसलिए ये बंगला भजन में बड़े ज्ञान की बात है, हैं? बड़े ज्ञान की बात है। इसलिए सवेरे सवेरे हमारे मंदिर में ये सब भजन होता है, क्योंकि जीव को जगाते हैं, भैया जीवन तुमको मिला भजन करने के लिए, तुम कौन सा काम में इस जीवन को तुम गंवा रहे हो, हैं? इसलिए सवेरे सवेरे इसलिए भजन को गाते हैं। और एक भजन निकाल लो, उदिल अरुण पूर्व भाग्य 96 उनको भी एक भजन किताब दे दो, पढ़ते रहेंगे बाबा। उदिल अरुण पूर्व भाग्य दिज मनी गोरा अमनी जागे भक्त समूह लैया साथे गेला नगर ब्राजे काथई काथई बाजल खोल घन घन ताहे झंझर रो प्रेम ढल ढल सोनार अंग चरणी नो पूर बाजे मुकुंद माधव जादव हरि बोलरे बोलरे बदन भरी
मिथ्य निद्रा बसे गल रे रात्रि दिवस शरीर साजे दुर्लभ मानव देह पाइया की कर भावन के हे न भजले जसोदा सुत चरण पड़ी रे लागे आइले अस्त दिन गेला बोली हई व्यवस्थ तब के नए आलस है ना भजन दयारागे जीवन नित जान सार ताहे नाना विध विपद हार नामाश्रय करी जतने तुम्हें था अपना का कृष्ण नाम सुधा करिया पार जुड़ा भक्ति विनोद प्राण नाम बिना किचो नहीं कार चौदह वन माजे उदित जगत आसिए मधुर नाम अविद्याति मेरा तपन रूपे हृदय गगन जय सची नंदन जय गौर हरी सची नंदन जय गौर जय सची नंदन जय गौर हरी सची नंदन जय गौर हरी। देखो आज ये भजन का मीनिंग सब समझ लो। कहते उदित पहले क्या है, उदिल अरुणा पूर्व भागे दिज मणि गोरा अमनि जागे भक्त समूह लैया साथे गेला नगर प्राग। इसका मतलब है श्री चैतन्य महाप्रभु कब उठ जाते थे, बोले सूर्य उदय होने से पहले। जैसे हम लोग उठ जाते हैं ना सूर्य उदय होने से पहले, महाप्रभु सूर्य उदय होने से पहले महाप्रभु उठ जाते हैं। उदिल अरुण पूर्व भागे दिज मणि गोरा अमन जागे, मतलब सूर्य उदय होते ही महाप्रभु अपने आप सज्जा त्याग कर देते थे। हैं इसलिए कहते सवेरे जैसे आप लोग मंगला आरती में आते हैं ना, कहते जो ये ब्रह्म मुहूर्त ये समय है, आप लोग जो मंगला आरती में आते हैं ये ब्रह्म मुहूर्त समय सूर्य उदय होने से एक घंटा 36 मिनट पहले, इसी समय में जो व्यक्ति सज्जा छोड़ देते हैं उसके घर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है। जो सूर्य उदय होने के बाद जो सोते हैं माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है, घर में घर लक्ष्मी नहीं रहती है, हैं उसको घर में। इसलिए सवेरे उठने का, कहते सवेरे उठने का बड़ा महत्व। जैसे आप लोग स्नान करके आते हो हैं यहाँ पर, कहते जो व्यक्ति सवेरे उठ करके नहा लेते हैं कहते उसका शरीर का जो आधा बीमारी वो अपनी आप आधा बीमारी उसकी खत्म हो जाती है अपनी आप। सवेरे सवेरे नहा लो शरीर एकदम चुस्त हो जाती है, भजन की भावना आ जाती, भक्ति की भावना आ जाती है। इसलिए महाप्रभु क्या करते हैं, हैं क्या करते हैं, सूर्य उदय होने से पहले उठकर उठ जाते हैं। उठकर क्या करते थे महाप्रभु, सब भक्त लोगों को ले लेते हैं, लेकर के जो मजीरा और मृदंग लेकर कीर्तन करते हैं। बोले क्यों, जब सवेरे सवेरे सबको कान में भगवान का नाम जाएगा, सवेरे उठते ही जब भगवान के नाम कान में जाएगा ना, दिन भर तुम्हारी कल्याण होगा। इसलिए कहते ना मंगल भवन अमंगल हारी, क्यों सवेरे सोते समय भगवान का नाम कान में गया है, हैं इसलिए भगवान का नाम कान से जाने पर सभी का ठाकुर जी की कल्याण होता है। इसलिए महाप्रभु और ये आवाज, ये भगवान को जो नाम जितने दूर तक फैलेगा ना, कहते महामारी जितने तरह का महामारी जितने बीमारी जितने दुख कष्ट सब देश से खत्म हो जाता है भगवान की नाम से। इसलिए पहले पहले गांव गांव में ढोलकी मजरा सबर लेकर क्या करते थे, सबके सब कीर्तन करते थे, ठाकुर की कीर्तन करते थे। तब उसको बाद में कहते हैं क्या है, ताथाई ताथाई बाजल खोल घन घन ताहे झांझर रोल प्रेमी ढाला ढाला सोना रंग चरने नुपुर बाजे।
इसलिए कहते हैं कि ताथई बाजल खोल, जैसे आप मृदंग बजाते हैं ना हैं, और घन घन ताहे झांझर रोल, इधर मृदंग बज रहा है और इधर मजरा बज रहा है, हैं मजरा बज रहा है, इसलिए ताथई। और महाप्रभु एकदम प्यार में नुपुर बंधा हुआ चैतन्य महाप्रभु के, जब भक्तों के साथ में चलते हैं चैतन्य महाप्रभु का चरण के जो नुपुर छम 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 आवाज करता है, मतलब प्रेम में ढल ढल, मतलब महाप्रभु पूरा प्रेम में डूबते हुए, ढल ढल मतलब होता है ऐसे ऐसे हैं, महाप्रभु का पोज देखोगे ना ठीक ऐसे ही महाप्रभु हाथ उठा करके भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं ठाकुर जी की, ऐसे करते करते ढल ढल मतलब झूमते झूमते भगवान के नाम को, और झूमते झूमते ठाकुर जी की नाम को लेते थे। इसलिए कहते हैं बोले एमन दुर्लभ मुकुंद माधव जादव हरि बोलरे बोलरे बदन भरी मिच्छे निद्रा बसे गेलर राति दिवस सारी रक्षा। इसलिए कहते हैं क्या करो, भगवान के नाम को लो, मुकुंद माधव माधव जादव हरि भगवान का नाम लो। बोले क्यों, बोले रात को तुमने सोया कितना घंटा सोते हैं बताओ, हर रात बिता दिया, इसलिए 6-7 घंटा तो सो जाते हैं रात को, हैं 6-7 घंटा सो जाते हैं। कहते भैया जितना तुमने समय सो गया ना, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है, इसलिए तुमने 6-7 घंटा सो गया, मतलब ये जीवन मिला भजने के लिए तुमने 6-7 घंटा सो करके समय को नष्ट कर दिया। अरे अभी तो जगो, जग कर क्या करो, भगवान का तो भजन करो। इसलिए कि संत कह रहे थे रात में कभी कभी मच्छर काटता है, कद मच्छर क्यों काटता है, इसलिए काटता है, बोले उठो तुम भजन करने के लिए आए हो, सो रहे क्यों हैं, तो भजन करने के लिए आए हो क्यों सो रहे, उठो हरिनाम करो भजन करो, इसलिए मच्छर क्या करते हैं रात को काटता है, उठ कर भजन करो, सो करके समय को तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो हैं। इसलिए कहते हैं मुकुंद माधव अभी जाकर भजन कर। बोले एमन दुर्लभ मानव देह पाइया की कर भावना क्या हो, इतना जो दुर्लभ जीवन भगवान ने दिया, एमन दुर्लभ मानव देह पाइया की कर भावना क्या हो, ये दुर्लभ जीवन को पा करके तुम लोग कोई सोच नहीं रहे हो क्या, नहीं सोच रहे हो कितना दुर्लभ शरीर ठाकुर तुमको दिया, पाइया की कर भावना क्या हो, एवे ना भजिले जसोदा सुत चरम में पड़ी वाजे। इसका मतलब है अभी तो ठाकुर जी मानव शरीर दिया तुमको, अगर अभी भी तुम भजन नहीं करोगे ना फिर क्या होगा, फिर वही 84 लाख जन्म में तुम्हें जाना पड़ेगा, फिर तो सर पिटते रह जाओगे, फिर ठाकुर जी ये मानव शरीर दोबारा तुम्हें नहीं देंगे। इसलिए ये जीवन रहते रहते, ये दुर्लभ जीवन रहते रहते इसका समय को बर्बाद मत करो, क्या करो ये जीवन पा करके भगवान की भजन कर लो, भक्ति कर लो। इसलिए कहते उदित तपन हैले अस्त दिन गेल वाले हाईवे व्यस्त, जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उदय होते हैं पश्चिम दिशा में अस्त हो जाते हैं। हम कहते ना आज दिन चला गया, हम कहते ना आज सूर्य डूब गया है, दिन चला गया, तुम तो तुम खुद कह रहे हो ये सूर्य उदय हो गया, मतलब ये दिन चला गया, मतलब हमारा एक दिन जो भगवान जो मानव शरीर दिया एक एक दिन नष्ट हो रहा है, एक एक दिन नष्ट हो, तुम व्यस्त हो तो भैया दिन चला गया, मतलब क्या, ये जो भगवान हमें मानव शरीर दिया भगवान की भक्ति करने के लिए क्या हो रहा है, ये जीवन का जो सूरज है ये डूबते जा रहा है। इसलिए उदित तपन हैले अस्त दिन गल बल्ले है व्यस्त तबे कैन एवे अलस होई नाभज हृदय राजे, तुम तो खुद कह रहे हो दिन चला गया, फिर तुम अलसता होकर के क्यों भगवान की भक्ति क्यों नहीं कर रहे हो हैं। इसलिए क्या करनी चाहिए, समय को नष्ट नहीं करते हुए हाथ में जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान कर करो, और मुंह में हर समय ठाकुर का नाम को लेते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सारी कथा ना बड़ौत का कथा सारा दुनिया पृथ्वी में जा रहे हैं।
कौन आ गया? ये तुम लोग को सब बैठ बैठ के तुमको दर्शन कर रहे हैं, बड़ो तो बसी नमक। इसलिए इसलिए इसमें कहते हैं है दिन गेलब तबे केना अलस होई ना भज हृदय राजे। इसलिए अभी क्यों भगवान की भक्ति तुम क्यों कर नहीं रहे हो? इसलिए क्या करो, जितना जल्दी पारो भगवान की भजन में लग जाओ। हमें वहाँ पर एक कथा सुना रहा था, एक कथा सुन लो। बोले ये पूर्व बंगाल में एक बहुत बड़ा जमींदार था जिसका नाम था लाला बाबू। क्या नाम था? लाला बाबू। बहुत बड़ा जमींदार, प्रॉपर्टी जमींदार। क्या हुआ, पहले क्या होता था, लोग सभी गीता रामायण भागवत तो पढ़ते थे। देखना गांव-गांव में ये सब टीवी फीवी स्मार्टफोन तो नहीं रहता था पहले। पहले गांव-गांव में टोली में बैठी करके रामायण होती थी, महाभारत होती थी, भागवत सबके सब पढ़ते थे। इसलिए इसको पढ़ने पर जीव को ये ज्ञान होता था, ये जीवन दुर्लभ जीवन। शास्त्र में तो यही बात कहता है ना, ये जीवन दुर्लभ जीवन, बारम्बार ठाकुर नहीं देते हैं। जितने जल्दी पार भगवान की भक्ति करो, पिता माता की सेवा करो, सबको आदर दो। इसलिए स्वाभाविक रूप में सब ये सब चीज़ को लोग सीखते थे। इसलिए सभी मानते थे जीवन पा करके हमें भजन करनी चाहिए, गीता रामायण पढ़नी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। स्वाभाविक रूप में जीव का हृदय में ये भावना रहता था। एक समय जो लाला बाबू था वो टहलने के लिए एक नदी पार होकर के दूसरे पार में टहलने के लिए गए थे। हो गया शाम, जब शाम हो गया सूर्य डूबते जा रहा था, वो जो नाव वाला था, नाव वाले ने बोले लाला बाबू बेला गेलो, ये बंगला में बोले लाला बाबू जी समय जा रहे हैं, सूर्य डूबते जा रहे हैं, आप उस पार कब जाओगे? देखो उन्होंने तो ये बात सुनाया, लेकिन उनका हृदय में दूसरा बात हृदय में आया। बोले ये तो बात सही कह रहा है, ये जीवन का जो सूरज डूबने जा रहा है, हमारे तो उम्र हो गया। ये विषय बहुत बड़ा जमींदार थे, ये विषय भोग करते 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 जीवन तो डूब गया। कहते इस उस पार कब जाओगे, मतलब ये भवसागर पार होकर के भगवान के पास में कब चलोगे, हैं भगवान के पास में कब चलोगे? इनको सुन करके उनका हृदय में तो ज्ञान प्रकट हो गया, हैं ज्ञान प्रकट हो गया, ये बात सही कह रहे हैं। सचमुच से हमें समय को बर्बाद नहीं करके जितने जल्दी जल्दी हो प्रभु की भजन में लग जानी चाहिए। इतने में हैं इतने में एक दिन उन्होंने ये चीज सुना। दूसरे दिन जो धोबी होते हैं उधर, जो केले का पेड़ को काट करके और जो आकंद जो वृक्ष है ना, जो शंकर जी को जो फूल चढ़ता है उसमें जला करके उसमें जो पाउडर होता है ना, वो एक तरह का सोडा का काम करता है। हमारे देश में जैसे वो इतना कहाँ से लाएगा, धोबी होता था ना, पूरा गांव का कपड़े को साफ करता था उससे, हैं उससे। अभी तुम लोग, हम लोग गांव में हम लोग जानते हैं, इसलिए तुम लोग तो शहर में जन्म लिए हो। इसलिए वो गांव में उस पेड़ को काट करके जला करके उसमें जो राख होती थी उससे ही कपड़ा धुल जाती थी, वो लोग उसी से गर्म करके कपड़ा साफ करते थे, पूरा गाँव का कपड़ा, मैला कपड़ा को साफ करते थे। इसलिए वो जो केले का जो जो पेड़ का जो पत्ता होता है ना, उसको कहते बासना, उसको कहते हैं बासना, हैं उसको बासना कहते हैं। एक दिन एक धोबी ने कहा, बोले भैया ये बासना में आग लगा दो, ये बासना में आग लगा दो। वो जो लाला बाबू था वो पहले तो एक दिन सुना, ये जीवन का सूरज डूबते जा रहे हैं, भजन करो, उस पार चलना जल्दी जल्दी, मतलब भगवान के पास में। दूसरे दिन फिर उसने सुना, भैया ये बासना में आग लगा दो। वो सोच रहा था, बहुत बड़ा जमींदारी, वो सोच रहा था ये सारे काम को निपटा करके फिर तो हम भजन करने के लिए वृंदावन जाऊंगा। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने बताया, भैया ये बासना में आग लगा दो, मतलब ये बासना कभी खत्म होने वाले नहीं, क्या करो ये बासना में आग लगाओ और जल्दी जल्दी भगवान के भजन के लिए चल पड़ो। जो बोले कभी बात सही बता रही, भैया ये वासना में तो आग लगा देनी चाहिए। उसने सोचा सचमुच सभी वासना में आग लगा के चलो वृंदावन भजन करने के लिए। वो घर से निकल करके आ गया, अभी मेन रोड में खड़ा हुआ, रोड में खड़े होकर सोच रहे हैं अभी क्या करें, अभी क्या करें, अभी थोड़ी बहुत काम है, ये सारे काम को निपटा करके जाए ना, अभी वृंदावन में चले जाए, क्या करें, सोच रहे। छोटे मोटे व्यक्ति तो है ही नहीं जो चले जाए, जमींदारी है। वो मेन रोड में खड़ा होकर के सोच रहा है। इतने में एक जो झाड़ू लगाता है ना, हैं जमादारणी, वो मैं रोड में झाड़ू लगा रहा था और वो रोड में खड़े होकर सोच रहे क्या करें। इतने में जो जमादारणी था, बोले लाला बाबू एक तरफ हो जाओ,
क्या हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। बोले ये तो सही कह रहा है, ये तो सही कह रहा है। अभी तो मैं सोच रहा हूँ अभी भजन के लिए जाऊँ ना बाद में भजन करने के लिए जाओ। सचमुच से मेरे को तो एक तरफ हो जानी चाहिए, अभी तो दोनों नाव में प्यार रखा हुआ। सचमुच से उन्होंने क्या किया ना, उसने संसार को छोड़े। बोले सचमुच से और नहीं, चलो वृंदावन में और नहीं। उनने सब छोड़ करके वृंदावन में आ जाए भजन करने के लिए। लेकिन वो तो जमींदारी थे, जो जमींदारी होते हैं ना उनको पता है पैसा कैसे कमानी चाहिए। पैसा आकाश में उड़ता है, पैसा आकाश में, लेकिन पकड़ना सीखनी चाहिए। पैसा उड़ रहे हैं लेकिन बिजनेसमैन कैसे पैसा कमाते हैं, उनको पता है ये पैसा कैसे कमानी चाहिए। उड़ रहा है आकाश में पैसा, पकड़ लो जो पकड़ सकते हो। वो जमींदारी थे, पहले तो पैसा कमा करके अपना घर गृहस्थ में लगाया। लेकिन जब उन्होंने वृंदावन में आ गए, अभी वो सोच रहे हैं सारा जीवन तो पैसा कमा कमा करके मैंने ये संसार में लगाया, अभी थोड़ी सी पैसा कमा करके ठाकुर को सेवा में लगाता हूँ, तभी तो सार्थक है ना। पैसा लक्ष्मी, लक्ष्मी जब ठाकुर को सेवा में लगेगा तभी तो सार्थक होता होगा। उनको पैसा कमाना पता है, उन्होंने कुछ समय उन्होंने पैसा कमाया और पैसा कमा करके सुंदर ठाकुर जी के लिए मंदिर बनाया। अभी भी वृंदावन में कभी जाओगे ना आपको ले जाएंगे वो मंदिर में, वो लाला बाबू का मंदिर। कभी चलोगे तो वो गोपीश्वर महादेव मंदिर को पास में है, जहाँ पर रास मंडल, उसको पास में लाला बाबू का मंदिर, सुंदर उन्होंने मंदिर बनाया है, सुंदर उन्होंने बगीचा मंदिर बनाया ठाकुर जी के लिए। वो ठाकुर जी ऐसे प्रसिद्ध ठाकुर है ना, ऐसे जागृत ठाकुर है। एक समय कुछ लोग, उनको शरीर में कुछ सोने के अलंकार था, कुछ चोर चोरी करने के लिए आए। जब वो ठाकुर का अलंकार चोरी किया ना, चोरी करते अंधे हो गए, ऐसे जागृत ठाकुर है। चोरी करते ही वो अंधे हो गए, वो जा नहीं पाए वहां से। सवेरे जब लोग आए आरती के लिए, देखिए ये अंधे लोग पड़े हुए चोरी करने के लिए, खूब पिटाई की भरी उनको। तभी से उसी मंदिर में कभी चोरी नहीं होता है। जानते हैं भैया इसी मंदिर में चोरी करेंगे तो हम अंधे हो जाएंगे। इसलिए अभी क्या होता है, ये जमींदार थे। अब देखना उसको पास में एक मंदिर है जो रंगजी मंदिर, देखे वो रंगजी मंदिर जो विशाल मंदिर भगवान नारायण का, उनको जिसने बनाया उसका नाम था जगत सेठ, उसका नाम जगत सेठ। इनका बाबू लाला बाबू, ये दोनों ही जमींदार थे। लेकिन देखना जब दोनों जमींदारी होते ना, दोनों के अंदर बनता नहीं। इनकी बहुत दिन तक ये प्रॉपर्टी को लेकर के कोर्ट मामला केस बहुत दिन तक चले। ये दोनों बहुत दिन तक ये कोर्ट कचहरी मामला में बहुत दिन तक फंसे। इसलिए दोनों दोनों में शत्रुता था, क्योंकि दोनों ही जमींदारी है और जमीन जगह तक लेकर लड़ाई झगड़ा तो होता है बहुत दिन तक। लेकिन वो जो जगत सेठ था, वो रोज क्या करता था, अपना हाथों से रोटी, जो वृंदावन में भजन करने के लिए संत आते हैं, सब्जी और रोटी अपने हाथों से संतों को देता था। संत लोग आते हैं भजन करने के लिए, भगवान की भजन करें, रोटी सब्जी खाए, भजन करें, क्योंकि भक्ति भावना थी। संतों की सेवा करेंगे तो ठाकुर खुश होएंगे, संतों का हृदय में ठाकुर का निवास है, इसलिए संतों को उन्होंने रोटी सब्जी देते थे। लेकिन ये जो लाला बाबू था ये सबको देते, लेकिन ये नहीं जाता था। क्यों, इसको याद था पहले इसको साथ में हमने कोर्ट कचहरी मामला हमने मकदमा की है, इसलिए वो नहीं जाते थे। अभी राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु, जो वृंदावन में आते हैं भजन करने के लिए, राधा रानी की कृपा से ही ब्रजवास हो सकता है। और राधा रानी की कृपा से तुम भजन कर सकते हो, राधा रानी का कृपा नहीं होगा ना आप धाम में नहीं रह सकते हो। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जब भजन करने के लिए आए, एक दिन बड़े दुखी होकर के खाना पीना छोड़ दिए। बोले क्यों, बोले मैंने कहा कितने बड़े पद भी छोड़ करके, मंत्री पद छोड़ कर भजन के लिए आया, लेकिन अभी तक तो राधा रानी का कोई कृपा मेरे को अनुभूति नहीं हो रही, इसलिए खाना पीना छोड़ दिए। रूप गोस्वामी जब छोड़ दिए, इतने में राधा रानी एक छोटी सी बालिका बन कर कहे, बोले बाबा बाबा तो भोजन क्यों नहीं कर रहे हो। बोले लाली हमने कितने बड़े पोस्ट को छोड़ करके वृंदावन में भजन कर लिया आए, लेकिन अभी तक तो श्री किशोर जी की मेरे ऊपर में कृपा हो नहीं रही, तो ये शरीर धारण करके क्या लाभ है। तो राधा रानी बड़ी मीठी मीठी बोली से कहती, बोले बाबा ये जो ब्रजवास कर रहे हो ना, किसको कृपा जानते हो, वो किशोर जी की कृपा से ही ब्रजवास कर रहे हो। राधा रानी की कृपा नहीं हो ना, ये ब्रजधाम में कोई रह ही नहीं सकते हैं। जिसके ऊपर में राधा जी की कृपा हो, वही ब्रजवास करके भगवान की
भक्ति कर सकते, बड़ी मीठी मीठी बोली बोली, उसको सुनकर खुश हो गए, सुनकर खुश हो गए। राधा रानी बड़ी दयालु बड़ी कृपालु, इन्होंने देखा इतने बड़े पद छोड़ करके आया, मेरे लिए इतने सुंदर मंदिर बनाया, लेकिन अभी भी इसका अंदर में घमंड है, अभिमान है। क्या अभिमान है? मैं उसको पास में क्यों माधुकरी लगे रोटी क्यों जाऊंगा, उसके साथ में लड़ाई हमारे साथ में कुछ। देखो अगर भजन करने के लिए आए हैं ना, अगर तुम्हारी हृदय में ईर्षा द्वेष है किसको प्रति, फिर तो भजन नहीं कर सकते। भजन करने के लिए ईर्षा द्वेष छल कपट ये सब चीज़ों को छोड़ना तुम्हें पड़ेगा। राधा रानी बड़ी दयालु, इतने में राधा रानी एक छोटी सी बालिका रूप धारण करते हुए आई, बोले बाबा बाबा तू तो भजन करने के लिए आए हो, अभी भी तेरी हृदय में ईर्षा द्वेष कपट छल भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि वहां पर तो सबके सब लोग जाते हैं माधुकरी लेकर भजन करने के लिए, लेकिन अभी भी तेरा द्वेष उसको प्रति, उसको प्रति तुम्हारी द्वेष भावना है, उस वहां क्यों जाऊंगा मैं, ऐसे भजन नहीं होता है ब्रज में। हृदय का सारे द्वेष को हृदय से त्याग दो। बाबा ने सोचा बात सही बता रहे राधा रानी, अभी भी उसके प्रति मेरे द्वेष है। वो स्वयं गए जिस लाइन में साधारण साधु लोग खड़े रहते हैं, लाला बाबू उसी लाइन में खड़े हुए। जब इनकी बारी आया सबको अपना हाथ से, जब उन्होंने देखा जगत चटाल लाला बाबू, जब इधर थे ना बहुत दोनों में बहुत दिन तक लड़ाई झगड़ा में कैसे, लेकिन उन्होंने इनको हाथ में रोटी सब्जी लेने आए, मतलब क्या है हृदय से सारे द्वेष भावन को छोड़ दिए, तभी तो मेरे पास में आए, नहीं तो कैसे आते। जब दोनों दोनों को देखे, हाँ देख करके दोनों दोनों का आलिंगन किया, आलिंगन करके आंखों से आंसू बहाते हुए जो एक दूसरे के प्रति जो द्वेष भावना था, सारे द्वेष को उन्होंने निकाल दिया। निकाल करके फिर दोनों उनसे माधुकरी लोज लेते थे, हृदय से सारे द्वेष भावना को निकाल दिया। इसलिए फिर राधा रानी देखो कितने दयालु, जब लाला बाबू आए अभी जाते हैं माधुकरी लेने के लिए, लेकिन उसी समय में उनके शरीर में एक ओढ़ते थे कीमती कंबल, वो कंबल बड़े कीमती कंबल था, इतने कीमती कंबल ओढ़ करके और माधुकरी लेने जाते वो शोभा नहीं देता है। जैसे जैसे सनातन गोस्वामी जब उन्होंने मंत्री पद को छोड़ करके आए, उनको शरीर में भी एक कंबल था, बड़े कीमती कंबल, उनको उनको जो जो बहन ही ने दिया था, हाँ उनको बहन ही ने जब सब छोड़ करके छुप करके महाप्रभु के पास में आ रहे थे, उनको बहन ही ने बड़े कीमती कंबल दिया था। लेकिन महाप्रभु बारंबार उस तरफ में देखे, बारंबार देखे, बोले क्यों, बोले तुमने माधुकरी मांग करके जीविका निर्वाह कर रहे हो और इतने कीमती कंबल ओढ़ कर जा रहे हो कि शोभा देता है, फिर तू भजन करने के लिए आए। इसलिए महाप्रभु कहते हैं भाला ना खाई बा और भाला ना पड़ी बा, बढ़िया बढ़िया खाओ मत और बढ़िया बढ़िया पहनो मत। बोले क्यों, अगर बढ़िया पहनोगे ना, देखो कि आज बढ़िया साड़ी बढ़िया कपड़ा पहन रहे हैं, कौन देख रहा है कि नहीं देख रहा है, हैं रास्ता में जब चलेंगे ध्यान तुम्हारी कहाँ रहेगी, कपड़े में, कौन देख रहा है आज इतना बढ़िया कपड़ा पहने साड़ी पहना हो, कौन, फिर शीशा को सामने खड़े होकर 10 बार देखोगे हम कैसे आज दिख रहे हैं, हाँ आज कैसे हम दिख रहे हैं, तो तुम्हारी मन कहाँ चला गया, कतमान कहाँ चला गया उस चीज़ का प्रति। इसलिए कहते जो बढ़िया खाते हैं वो अपना जीवन को बर्बाद करता है, लेकिन जो बढ़िया पहनते हैं ना वो अपना जीवन तो गया और दूसरा का जीवन भी गया, क्योंकि जो बढ़िया कपड़ा पहनेगा सारा दुनिया उसको देखेंगे, हे क्या ठाल बार क्या सुंदर कपड़ा पहने हैं क्या बढ़िया दिख रहे हैं, क्या होगा, दोनों को गया, अपना गया और दूसरे का भी गया। इसलिए महाप्रभु इसलिए बारंबार सनातन गोस्वामी का कंबल का तरफ में देखे, कंबल का तरफ में देखे, महा सनातन गोस्वामी समझ गए महाप्रभु इससे खुश नहीं, महाप्रभु खुश नहीं। उसने एक धोबी को पास में गया जो कपड़ा साफ कर रहा था घाट में, बोले भैया एक काम करोगे, ये कंबल ले लो और तुम्हारे पास में जो गुदड़ी है ना, हैं जो साधारण जो गुदड़ी जो पहले पहले क्या करते थे, जितने पुराना पुराना कपड़ा होता था उसको इकट्ठे करके सिलाई करके उसको रात में रजाई रूप में उसको ओढ़ते थे, अभी तो बढ़िया बढ़िया चीज़ निकल गया, पहले तो इसको ही ओढ़ते थे। बोले भैया उसको मेरे को दे दोगे, इसको ले लोगे, बोले मेरे साथ में खिली की उड़ा रहे हो, हैं आप इतने बड़े व्यक्ति हो करके हमारे साथ में, पर मैं झूठ नहीं सच कहता हूँ,
क्योंकि इतने कीमती कंबल दे करके इसको ले जाएगा, बोले मैं सच कहता हूँ। तो उन्होंने उसको दे करके वापस, जब उनने उसको गुदड़ी पहन करके आए ना, महाप्रभु बड़े खुश हो गए, बोला सही अभी भजन करोगे। बोले जब तुमने इतने बड़े मंत्री पद को 10,000 स्वर्ण मुद्रा तुमने रिश्वत दे करके भजन के लिए तुम आए हो, फिर अंतिम जो रोग थोड़ी सी क्यों रखोगे, इसको भी त्याग दो और साधारण रूप में केवल शरीर आच्छादन करने के लिए इसको व्यवहार करते हुए क्या करो, 24 घंटा भगवान की भजन में लगे रहो, प्रभु की भक्ति में लगे रहो, क्यों समय को बर्बाद करते हो, खुश हो। इसलिए ये लाला बाबू का शरीर में भी इतना कीमती कंबल था। इतने में देखो राधा रानी कितने दयालु, राधा रानी फिर बालिका बन करके आ गए, बोले बाबा माधुकरी लेकर के जीविका निर्वाह कर रहे हो और शरीर में इतने कीमती कमल को ओढ़ करके ये क्या शोभा देता है तुमको, ये शोभा नहीं देता है बाबा, ये ठीक नहीं है, ये भजन करने का ये परिपाटी नहीं। इसलिए वृंदावन में दीनहीन होकर के भगवान की भजन तुम करो। जो छोटी मीठी मीठी बचन से बोली ना, उनने उसको भी त्याग दे दिया, त्याग दे करके एकदम दीनहीन बन करके वृंदावन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। इसलिए ये जो भजन में यही कह रहे हैं, उदित तपन हैले अस्त दीन गेल बोली है व्यवस्थ। जब सूरज जब डूब जाते हैं तुम खुद कहते हो भैया आज का दिन चला गया, तब वे कहना वे अलस हुई, फिर तुम अलस हो करके ना भज हृदय राजे, तो भगवान की भक्ति क्यों नहीं कर रहे हो। देखो ये भजन में कितनी अच्छी अच्छी बात बताते हैं। इसलिए हमारे हर गौड़ीय मठ में रोज रोज ये भजन को गाते हैं। क्यों, ये सब भजन गाने पर हृदय में भजन करने की भावना आती है, जल्दी से जल्दी भगवान की भजन में लग पड़ो। उसके बाद में क्या कहते हैं, जीवन अनित्य जानह सार, ताहे नाना विध विपद भार, नामाश्रय करी जतन तुम्हें था कह आपन कामे। देखो कितने अच्छी इसमें कहते हैं, बोले जीवन अनित्य जानह सार। देखो कभी कभी हमारे मन में क्या भावना है, इसलिए श्री युधिष्ठिर महाराज को धर्मराज ने प्रश्न किया, उन्होंने तो बहुत कुछ प्रश्न किया, उसमें एक प्रश्न था, ये पृथ्वी में सबसे बड़े आश्चर्य क्या है, पृथ्वी में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? बताओ तो कौन बोलेगा, बोला हाँ क्या बोला, पृथ्वी में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, बोला क्या, हर जीव को जाना है लेकिन फिर भी जीव भ्रम में रहता है। हाँ सही है, ये पृथ्वी में बोले अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति जम मंदिरम, हम खुद देख लिए, क्या हमने देखा, हमसे जो छोटा था ना वो भी मर गया, शरीर छोड़ दिया, लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे वो मर गया हम थोड़ी मरेंगे, कोई सोचते हो कभी हम कहीं मर जाएंगे, कोई नहीं सोचते हम कोई मरने वाले को, तो मर गया लेकिन हम कभी नहीं मरेंगे, हम तो अभी तो हम 100 साल 200 1000 साल तक जिंदा रहेंगे, कहते ये भावना क्यों आता है, कारण है हमारे अंदर में जो आत्मा है ना, ये परमा भगवान के अंश है और आत्मा नित्य शाश्वत है, हैं, इसलिए ये जीव कभी सोचता नहीं मैं मरने वाला हूँ। इसलिए कहते अहनी अहनी भूतानी गच्छन्त जम मंदिरम, हम देख रहे हैं रोज लोग मर रहे हैं, हमारे सामने लोग मरते हुए राम नाम सत्य है करते करते लग जाते हैं, लेकिन शेष सब इच्छन्ति जो रह जाते हैं वो कहते हम कभी नहीं मरेंगे। इसलिए किम आश्चर्य अथ परम, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है, हम जो बोलते हैं कभी हम मरेंगे नहीं, ये बड़ा आश्चर्य। इसलिए इस भजन में यही कर, जीवन अनित्य जान सार, मतलब ये समझ लो एक दिन तुम्हें मरना पड़ेगा, फिर ताहे नाना विध विपद भार, इतना नहीं कितने विपत्ति दिन प्रतिदिन तरह तरह का विपत्ति संसार में, एक विपत्ति के पास में दूसरे के पास में तीसरे, अल्लहर जैसे आती रहती है, ताहे नाना विध विपत्ति भार, हैं क्या करो,
नामाश्रय करी जतन तुम्हें थाक अपना काज। देखो साथ में क्या जाएगा अंतिम समय में, यही तो बोलेंगे ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, यही तो बोलेंगे लास्ट में। जो सत्य वस्तु प्रभु का नाम उसका आश्रय कर लो, क्योंकि लास्ट में तुम्हारे साथ में वो ही जाएगा, और कुछ जाएगा नहीं। एक सुई धागा भी यहाँ से ले नहीं जाओगे, इसलिए क्या करो भगवान का नाम को आश्रय कर लो। करके जो कुछ कर रहे हो करो संसार में, अपना खाना पीना काम धंधा सब कुछ करो, लेकिन आश्रय क्या करो भगवान का नाम को आश्रय करके थाको अपना काजे, अपना काम में रहो। ठाकुर का नाम करते हुए भजन करते हुए अपना काम में रहो। उसको बाद में कहते हैं कृष्ण नाम सुधा करिया पान, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण, नाम बिना किचो नाही पार, चौदह भुवन माझ। इसमें कहते हैं क्या करो, बोले कृष्ण नाम सुधा करिया पान है, किस चीज के अमृत को पान करो, कृष्ण नाम रूपी सुधा को पान करो है, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण। देखो ये हृदय को संतोष कब मिलेगा, हृदय को शांति कब मिलेगी, ये दुनिया में ऐसे कोई चीज नहीं जिस चीज को हम भोग करके जीवन में तृप्ति हो सकते हैं, कोई चीज जगत में नहीं। केवल हृदय तभी पूर्ण होगा जब भगवान के नाम रूपी अमृत को पान करोगे। इसलिए कहते ना प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्म स्नपनम, केवल भगवान का नाम ही ऐसे की चीज है जो हर समय हमें एक नई नई आनंद को प्रदान करता है भगवान का नाम है। इसलिए भगवान का नाम क्या है, बोले भगवान का नाम नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, भगवान का नाम ही रस स्वरूप है। इसलिए क्या करो भगवान का नाम रूपी सुधा को पान करो, और क्या करो जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण। भक्तिमय ठाकुर कह रहे हैं कहते तुम भगवान के नाम रूपी रस को पान करते हुए अपना हृदय को तृप्ति कर लो, अपना हृदय को तृप्ति कर लो, क्योंकि नाम बिना किछु नाही कार, चौदह भुवन बाजे, ये चौदह भुवन में भगवान के नाम के सिवाय और जगत में कुछ है ही नहीं, नाम ही जीवन में सार है। और लास्ट में कहते हैं कहते जीवर कल्याण साधन काम, जगते आसी मधुर नाम, अविद्या तिमिर तपन रूपे हृदय गगने विराजे। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, भले जीवर कल्याण साधन काम, जगते आसीय मधुर नाम। भगवान ने कलिजुग में क्या किया, बोले कलिजुग नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान जीव को कल्याण करने के लिए ठाकुर जी अपना नाम रूप में ठाकुर जी आए, इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम है, है? इसलिए जीवर कल्याण साधन काम, जगते आसीय मधुर नाम, और अविद्या तिमिर तपन रूपे हृदय गगन विराज। उदाहरण दिया ये अविद्या रूपी जो अंधकार है उसमें भगवान का नाम क्या बोले, तपन, तपन मतलब होता है सूरज, जैसे सूरज उदय होने पर अंधकार अपने आप हट जाती है, उसी तरह प्रभु का नाम रूपी सूरज जब हृदय में उदय होगा, हृदय के सारे अज्ञान तुम्हारी दूरभूत हो जाएगा, वास्तवन में शांति प्राप्त होगा, कैसे भगवान की नाम जप करके। इसलिए देखो कितने बढ़िया भजन है ना, अगर ये बंगला भजन को समझोगे ना, जो हिंदी का भजन है ना, थोड़ी शरीर में जोश आ जाता है, लेकिन शिक्षा में लोग इतना कुछ बात नहीं है इतना, हाँ आ गए नाच गए कूद गए खत्म हो गया, लेकिन जो बंगला भजन है ना, इसलिए हमारे क्योंकि ये जो भजन को जिन लोगों ने लिखे हैं वो बड़े बड़े महापुरुष लोग लिखे हैं, जीवन जीव को चेतनाता देने के लिए ये बड़े बड़े संत लोगों ने इस भजन को यहाँ पर जब ये भजन को लिखे हैं, इसलिए ये भजन को रोज रोज हमारे गौड़ीय मठ में रोज रोज गाते हैं, जिसको सुनने पर हमारे हृदय में जागृत हृदय हमारी जग जाता है हृदय, और क्या करते हैं भगवान के भजन में लग जाते हैं ठाकुर जी के भजन में, ठीक है ना। हाँ राधा कृपा का टाक्स, हाँ निकाल दो 220 मुनिंद बृंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी
प्रसन्न भक्त पंकज निकुंज भोगविलासिनी व्रजेन्द्र भानु नंदिनी व्रजेन्द्र सोनु संगते सदा करी सति मम कृपा कटाक्ष भाजन अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणा नृपोमल बराभय सुरकरे प्रबोध संपदालय सदा करी सचिव कृपा कटाक्ष भाजन अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भुवन सभी भ्रमं तथा भ्रमं त्रिगंत वायन पातन निरंतरं वशीकृत प्रकीर्ति नंद नंदने सदा करी सचिव कृपा कटाक्ष भाजन करी सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रह मुख प्रभा परास्त को किसार देंदु विचित्र चित्र संचर चकोर सावलोचने सदा करी सशिरम कृपा कटाक्ष भाजन मधोदि जौवन प्रमोद मान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्न धन्य कुंजराज काम तेल को विजे सदा करी सशियम कृपा कटाक्ष अशेष हाव भाव वीर हिर हार भूषिते प्रबोध साध कुंभ 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 सोतन प्रसास मंद हास चून पूर्ण सौख्य सागरे सदा करी सशियम कृपा कटाक्ष भाजन Bye.
बोल कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरी कई बार हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी कई बार हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल मदन मोहन जी की जय चितलीला प्रभुशील भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय चितलीला प्रभुशील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय चितलीला प्रश्न भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय गोस्वामी महाराज की जय भक्ति सिद्धांत